लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब विरोध बढ़ता जा रहा है और आज लोकसभा स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, यानी कि राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के आसपास तख्तियां लेकर तानाशाही की बात करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस सजा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। डरपोक तानाशाह, जिसे 9 सालों से संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो आवाज जब उठती थी तो नौजवानों के सवाल होते थे, उस आवाज में किसानों का दर्द होता था, उस आवाज में देश के आम आदमी की समस्याएं होती थी जिनके सवाल इस तानाशाह सरकार के पास नहीं, उस आवाज में इन लुटेरे उद्योगपतियों जिनको बीजेपी के नेताओं ने देश के आम आदमी का पैसा लुटवाकर विदेश में भगाने में मदद की, उस आवाज को फिलहाल में जो खामोश कराने की कोशिश है, देश का जनमानस इसे देख रहा है। आने वाले समय में इस लड़ाई को हम कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे दोनों तरीके से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ ले कि उन्होंने इतिहास को दोहराने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी जी की सदस्यता उन्होंने खारिज कराई थी, उसके बाद देश के जनमानस ने उन्हें सत्ता में पहुंचाया था, आज राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज कराई। देश के दिलों से गांधी परिवार के प्रति जो प्यार है उसे कहां से हटा पाओगे, लेकिन जो सवाल है वो रुकने वाले नहीं, राहुल गांधी जी की आवाज खामोश नहीं कर पाओगे। अडानी ने जो देश को लूटा है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी ने जो देश को लूटा है, उस पर देश सवाल कर रहा है, राहुल गांधी जी की आवाज खामोश होने वाली नहीं है। आने वाले समय में यह लड़ाई और बड़ी होगी, बीजेपी को हिसाब किताब देना होगा। लखनऊ में ज्वेलर्स